केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही हुई है। सैलाब टॉप 9 में देखेंगे कि अब तक वायनाड में कितने लोगों की मौत हो गई है और कितने अभी मलबे में फंसे हैं। केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। अब तक 93 लोगों की मौत हो गई है, 100 लोगों को मलबे से निकाला गया है। अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है। ये तस्वीर वायनाड में हुए लैंडस्लाइड की है। बीती रात 2 बार लैंडस्लाइड हुआ और तमाम मकान इसकी चपेट में आ गए। घरों के भीतर कई फीट तक पानी भर गया, बाहर खड़े वाहन मलबे में दब गए। हादसा बीती रात को हुआ। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गुलाबकोटी और लंगसी के पास बंद हो गया है। किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है। हाईवे के दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और बीआरओ की टीम मलबा हटाने का काम कर रही है। कुल्लू के मणिकर्ण घाट में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में कई दुकानें बह गई। तोश नाले में आए उफान की वजह से नाले पर बना पुल बह गया। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पेड़ उखड़कर नदी में समा गया, 2 मंजिला मकान भी भरभराकर नदी में गिर गया। ये नजारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का है। गंगा नदी में उफान की वजह से तट पर हुए कटान से कई गांव में पानी भर गया, फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के टेनेसी में मशहूर डॉलीवुड एम्यूजमेंट पार्क में तूफान के साथ अचानक बाढ़ आ गई, पूरे परिसर में पानी भर गया। पर्यटकों से सावधान रहने को कहा गया है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां आधी डूब गई, लोगों की कमर तक पानी भर गया। ये चीन के हेनान प्रांत के जियाओलांगडी रिजर्वॉयर डैम का है। डैम के सभी गेट खोल दिए गए। हालांकि हेनान में भारी बारिश और बाढ़ से भीषण तबाही हुई, लेकिन इस बांध को बालू और कीचड़ की सफाई के लिए खोला गया है। ये प्रक्रिया हर साल बाढ़ के मौसम से पहले की जाती है। चीन से ही एक और तस्वीर आई है। शेनयांग प्रांत के हाईवे पर भारी बारिश के बाद का ये नजारा है। हाईवे पर जमा पानी में तमाम मछलियां उछलती नजर आ रही हैं। करीब आधे घंटे तक मछलियों का ये व्यवहार जारी रहा। विशेषज्ञ इस घटना की वजहों का पता लगा रहे हैं।